उत्तर प्रदेश में जिला पीलीभीत के थाना बिलसंडा क्षेत्र के ग्राम मार्ग निवासी रामकुमार पुत्र छेदालाल ने जहानाबाद आकर थाना जहानाबाद पुलिस को एक प्रार्थना पत्र दिया, जिसमें उन्होंने बताया कि उनकी पुत्री मोनिका उम्र 20 वर्ष का विवाह जिला पीलीभीत में थाना जहानाबाद क्षेत्र के ग्राम शिवनगर निवासी गुड्डू उर्फ ज्ञान प्रकाश पुत्र बाबूराम के साथ 24 अप्रैल 2017 को हुआ था। पीड़ित रामकुमार ने बताया कि उसने अपने सामर्थ्य के अनुसार दहेज दिया था, लेकिन उनकी बेटी मोनिका के ससुराल वाले उस दान दहेज से खुश नहीं थे। बेटी मोनिका को दामाद गुड्डू उर्फ ज्ञान प्रकाश और उसकी माता सावित्री और उसके पिता बाबूराम आए दिन उसकी बेटी को परेशान करने लगे और उनकी बेटी मोनिका ने यह सारी बातें उसके पिता को बताई और पिता के काफी समझाने के बाद भी उसके ससुराल वाले नहीं माने। इसके बाद वह अपनी बेटी को ससुराल में ही छोड़कर वापस आ गए। पीड़ित रामकुमार बताते हैं कि शिवनगर से उनकी चचेरी बहन ने सूचना दी कि गुड्डू उसके पिता ज्ञान प्रकाश गुड्डू उसके पिता बाबूराम उसकी माता सावित्री देवी ने उनकी बेटी मोनिका को जान से मार दिया है। सूचना मिलने पर वह रामकुमार ग्राम शिवनगर पहुंचे तो वहाँ उनकी बेटी की लाश देखकर वो अपना सुदबुद्ध खो बैठे। नाम आपका? रामकुमार। रामकुमार, आपकी बेटी के साथ क्या घटना घटी, क्या है पूरा मामला? पूरा मामला यह है कि हमने अपने 27 अप्रैल को अपने लड़के की शादी की। पहले सब ठीक ठाक था, पहली बार विदा में आई तो उसको तंग किया गया, तो लड़की ने हमें जाके बताया कि हमें तंग कर रहे हैं। हमने क्यों तंग कर रहे हैं तो कहा कि वो 2 लाख रुपये मांग रहे हैं या फिर जो है 4-व्हीलर लेके दें, तो हमारे समर्थ नहीं है क्योंकि हमारे दूसरी भी लड़की की शादी करनी है। शादी में कुछ दिया भी था? हाँ, बाइक दी, कूलर दिया और पंखे दिए, सोने की अंगूठी दी और 1 लाख रुपए दिया। उसके बावजूद चैन दिया, उसके बावजूद भी 4 रुपये मांग कर रहे थे। अब हमारा समर्थ नहीं था क्योंकि हमें दूसरी की भी शादी करनी थी। अच्छा, लगभग 27 अप्रैल आप बता रहे, कौन सी साल में शादी हुई थी? 27 अप्रैल 2017 मतलब अभी 4 महीने पहले, 4 महीने पहले शादी की थी। हाँ, 4 महीने पहले। अच्छा, लड़का क्या करता है? लड़का जो है बीए पढ़ाई कर रहा था। बीए पढ़ाई कर रहा। पिता क्या करते हैं लड़के? किसानी करते हैं। आपने इस पूरे मामले की रिपोर्ट दर्ज कराई? आपको कब सूचना मिली? सूचना कल 12:30 बजे मिली, वो भी इन लोगों ने किसी ने फ़ोन नहीं किया। हमें पड़ोस में मेरी चचेरी बहन रहती है, उसने जो यहाँ धुंध हुआ तो उसने मुझे फ़ोन किया। उस मतलब पड़ोसी ने बताया। क्या बताया उसने? उसने ये बताया है कि वो जो है मार के लिटा रखी है, उसमें साथ कुछ नहीं, भैया तुम आ जाओ। तो जब आप पहुंचे तो आपको किस हालत में मिली? मेरे को वो तो नाक से खून ब्लड बह रहा था और पेशाब गिर रहा से पूरा पे ब्लड गिर रहा था और जो है पूरे हाथ पैर में पूरा काला पड़ा हुआ मार के। क्या लगता है किस तरीके से घटना को अंजाम दिया होगा? घटना को अंजाम दिया गया तकिया के द्वारा, मुंह दबा करके 3-4 लोग रहे होंगे, उन्होंने दबा करके उसको दराती से उसके अंदर डाल के और उसको पेशाब की राहत डाल के हाथ काटी। कोई चोट के निशान भी? हाँ, पूरे शरीर, हाथों में, पैरों में, यहाँ पे चोट के निशान सारे हैं।